94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉटलाइट की शुरुआत हो चुकी है और हर संडे की सुबह बिग स्पॉटलाइट में लखनऊ का कोई जाना माना नाम, कोई जानी मानी शख्सियत हमारे साथ होती हैं रफत के साथ। तो फिलहाल रफत के साथ यहाँ आज हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट बी आर सिंह जी, जो कि जाने माने प्रोफेसर डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आज 2 घंटे 8 से 10 के बीच में लखनऊ वाले आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों रूप में जानने वाले हैं जी। थैंक यू। तो इसके लिए सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ और आज हमारे साथ हैं एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरीके से आज आप इस मकाम पे पहुंचे हैं, मतलब ये जो शुरुआत हुई ये कहां से हुई? देखिए ये तो बचपन से हमें अध्ययन में रुचि रही और नई नई चीजें जो समाज के लिए आने वाले समय में कोई घटनाएं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है उस पर हमेशा विचार रहता था कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एनवायरमेंट में हमने रिटायरमेंट के बाद 2004 के बाद अपना कार्य प्रारंभ किया। वैसे तो इसके संबंध में 1995 से ही हम काम कर रहे थे, लेकिन 2004 के बाद रिटायरमेंट के बाद इस पर हमने काम शुरू। वापस आते हैं तो सर की स्टडीज के बारे में भी जरा पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की है। बस आप सुनते रहिए बिग स्पॉटलाइट रफत के साथ, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉटलाइट में मैं हूँ रफत आपके साथ और आज हमारे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। सर स्टडीज के बारे में अगर आपसे हम पूछें तो कहाँ से की आपने? देखिये इसी का जो हमारी एजुकेशन रही हाई स्कूल इंटरमीडिएट को वो तो सुल्तानपुर और जौनपुर से, बीएससी मैंने किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसके बाद आज के उसमें जो एनआईटी होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते, तो मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सरदार वल्लभ भाई रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत से किया था गुजरात से और उसके बाद सर्विस 1972 में शुरू कर दिया। उसी के बीच में मैंने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद है वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की थी। तो ये उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने 2004 में जो निर्माण निगम से मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ तो मुझे अपने बचपन की चीजों का याद आया कि मुझे कुछ कर समाज के लिए बहुत कुछ और योगदान देना है और विशेष करके विज्ञान वैज्ञानिक हमें सामाजिक जो चीजें कहीं पर आने वाले समय में वो घटनाएं हो सकती हैं उस पर विशेष करके ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर उस पर हमने काम किया। तो इसको कह लें कि हम पीएचडी हमने रिटायरमेंट के बाद इसी उद्देश्य से किया था कि कैसे इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए और क्योंकि समाज के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा इसके और ऐसे आपने बहुत सारे काम किए हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए आपने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व स्तर पर आपकी बातें पहुंची हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे जब लौट कर आएंगे। सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ और आज हमारे साथ हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। बात हो रही है सर के पर्सनल लाइफ की भी, अब जरा हम जान लें कि आखिर ये एनवायरमेंटलिस्ट कैसे बन गए, क्या इन्होंने ऐसे योगदान दिए हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एज एन एनवायरमेंटलिस्ट भी जान रहे हैं। सर अपने कुछ योगदान के बारे में बताइए। इंजीनियर होने की वजह से हमेशा चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करता रहा और जो भी कठिनाइयां सर्विस में भी जो हुई हमने प्रदेश और देश के लिए योगदान दिया उसमें भी हमेशा नई तरीके से योजनाओं को प्रूव करने का प्रयास करते रहे जो उसमें लागत कम हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
तो जैसे रिटायरमेंट हुआ तो मुझे ये चीज 1990 से उसके पहले ड्यूरिंग सर्विस भी हमें ये लगता था कि आने वाले समय में ये ग्लोबल वार्मिंग एक का घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इस पर हमने उसी समय से थोड़ा काम किया और विशेष करके अगर आपको थोड़ा इसमें बताएं तो हमारी अभिरुचि हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा रही और ये हमेशा सोचते रहते थे कि अगर विश्व में कोई भी वैज्ञानिक आगे बढ़ा हुआ है तो कुछ न कुछ चीजों को उसने आगे बढ़ाया है तो क्यों नहीं हम भी बन सकते हैं, वह भी उसी उसके हैं और भारतवर्ष में है तो क्या है, विश्व स्तर के काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जिससे पूरे विश्व की जनमानस को कोई फायदा हो। वापस आते हैं तो हम उस एक जो खोज कह लीजिए, एक इन्वेंशन कह लीजिए, और हम हमेशा विदेशों की तरफ देखते हैं लेकिन हमारे लखनऊ में आपको पता नहीं होगा कि वो विदेश इस तरफ देख रहा है जो इन्वेंशन किया है बी आर सिंह जी के सौजन्य से हुआ है। वापस आते हैं, सुनते जाइए बिग एफएम, धुन बदल के। तो 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉट लाइट, रफत आपके साथ। आज हमारे साथ हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। और लखनऊ की सरजमी पर एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन हुआ है हमारी आपकी सबके समाज की भलाई के लिए, और वो क्या इन्वेंशन है एनवायरमेंट को योगदान देने के लिए हमें बता रहे हैं प्रोफेसर बी आर सिंह जी। सर प्लीज। हमने जीरो पॉल्यूशन एयर इंजन बना, हवा से चलने वाला, और उसका बेसिस ये था कि हमने जैसे बताया रामायण पढ़ते थे, सब पढ़ते तो उसमें एक हनुमान जी का कैरेक्टर आता था कि उड़ जाते थे, हवाई जहाज उड़ती है तो क्यों उड़ती है, कैसे उड़ती है, इन सब चीजों पर मेरा बड़ा अध्ययन हुआ। तो हवाई जहाज अभी देखिए टेक ऑफ होती है, ऊपर उड़ने लगती है तो हवा पर तैरती है, हवा पर कैसे तैरेगी, जब हवा का प्रेशर उस पर थोड़ा सा टिल्ट करते हैं विंग और हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है क्योंकि जहाज 2-3 किलोमीटर की स्पीड पर रहता है, टिल्ट करते ही वो एकदम से ऊपर उठने लगती है इतना प्रेशर पर। उसी के रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने सोचा कि क्या ऐसा नहीं किया जाता ये जितना प्रेशर पे उड़ रही है हम उससे कम प्रेशर पर छोटा इंजन बना ले, उसी को रिवर्स कर ले। ये एक हमने टेक्नोलॉजी और अपने सोचा कि हनुमान जी भी रहे होंगे बता लिए हमेशा चलते थे तो उसमें भी यही टेक्नोलॉजी रही होगी, ये मेरा अपना एक सोच था। उसको मैंने रूप दिया 3-4 साल लग करके और एक इंजन बन गया, और इंजन बनने पर वो हमारे पेपर्स जो थे लंदन में आईडिक लंदन और अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो कि बहुत पुराना 1845 का जर्नल है उसमें भी आ गया, और वर्ल्ड में न्यूयॉर्क ने इसको कहा कि आपका ये इन्वेंशन है और ये ओरिजिनल वर्क है। तो उन्होंने ही चारों तरफ वर्ल्ड वाइड इसको प्रचारित किया और पेपर मीडिया प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना है रेडियो और इसको प्रसारित किया। 192 कंट्री तो एक दिन में 22 जून 2010 को उन्होंने प्रसारित किया। 192 कंट्रीज में जी। अरे वाह, मतलब ये तो बिग अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट। बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद। और ये किस साल की बात है, ये किस साल की? ये 2010 की बात, 22 जून 2010। और आज 2022 में हम इसकी बात कर रहे हैं, शायद बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे इसके बारे में, बहुत लोग अभी अनअवेयर हैं। और मैं कहूंगी कि ये कहाँ आप देख सकते हैं, जरूर वापस आते तो उसके बारे में बात करती हूँ, आप जरूर जाइए और देखिए इस एयर इंजन को। सुनते जाइए बिग एफएम, धुन बदल। 94.3 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट RJ रफत के साथ। गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉट लाइट, रफत आपके साथ। आज हमारे साथ है बहुत ही अमेजिंग एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। सर आपने बताया एयर इंजन का आपने जो इन्वेंशन किया 192 कंट्रीज में एक साथ, इसके बारे में बताया गया 2010 में, आज हम 2022 में इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिनको अभी तक नहीं पता था वो इस एयर इंजन को देखना चाहेंगे, कहाँ देख सकते हैं? हाँ, ये हमारे कॉलेज में है और इस पर वर्क चल रहा है, टाटा के साथ हमने जैसे पेटेंट हुआ तो कुछ टाई अप करने की कोशिश की है और टाटा ने थोड़ा और इसमें और चीजों में उनका सुझाव है कि इम्प्रूव कर दें, क्योंकि अभी इस इंजन में हमने गियर सिस्टम नहीं लगाया है और क्लच नहीं लगाया, सीधे डायरेक्ट एयर फ्लो करते हैं और वो चलने लगता है। यानी अगर हमें देखना हो तो हम जा सकते हैं टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, टेक्निकल
टाइम पे आप आइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आज हमारी खुशनसीबी की बिग स्पॉट लाइट में हमारे साथ इसी कॉलेज के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बी आर सिंह जी हैं। सुनते रहिए बिग FM, धुन बदल के तो देख। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट, आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉटलाइट, रफत आपके साथ। आज हमारे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट बी आर सिंह जी। सर, आपकी एक किताब भी है जो कि यूएस के कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में बताइए। हाँ, क्रोशिया से एक मैसेज आया था, टेलीफोनिक मैसेज आया कि आपकी किताब चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर आपके काम चल रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या है, कैसे इसको ग्लोबल वार्मिंग कम किया जाए। तो हमने अपना उस पर एज ए चीफ एडिटर उस किताब को एक्सेप्ट किया और वो किताब हमने 2011 में वर्क मिला था। 2012 के सितंबर में हमें उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी 3 मिली। क्या बात है, क्या बात है भाई। विदेशी किताबों को, विदेशी कल्चर, विदेशी म्यूजिक को हमारे यहाँ बहुत ही हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन ये कम सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तानी कल्चर को किस तरीके से हाथों हाथ लिया गया हो, हिंदुस्तानी योगा को अपनाया गया है बाहर। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान, हमारे लखनऊ से ही बी आर सिंह, प्रोफेसर बी आर सिंह जी की किताब को यूएस के स्कूल कॉलेज में अपनाया गया है, पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। सुनते जाइए बिग स्पॉट लाइट। आज के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट, बेहतरीन शख्सियत बी आर सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनते जाइए बिग FM, धुन बदल के तो देखो। 94.3 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग स्पॉट लाइट, आरजे रफत के साथ। वेलकम, गुड मॉर्निंग शो बिग स्पॉट लाइट, रफत आपके साथ। और निकलने का वक्त है, लेकिन निकलने से पहले पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है, एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बी आर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ, जिन्होंने कमाल के इन्वेंशन, कमाल की चीज़ें, कमाल का रिसर्च किया है, एनवायरमेंट को एक्चुअल योगदान दिया है अपने काम से, अपने करियर से, अपने पैशन से। इस पूरे दो घंटे के बिग स्पॉट लाइट में हमको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलने का वक्त है सर, चलते चलते सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इसके अलावा पसंद क्या करते हैं आप जीवन में करना? है तो मुख्यतः हमें बचपन से शौक रही है विज्ञान के बारे में, तो हम हमेशा अपना समय या तो पुस्तकों को लिखने में काम कर रहे हैं या उसको सामाजिक कार्य के में जुड़ जाते हैं। और आपको ये बताएं कि हमें 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2014 में गाड़ी के लिए वर्ल्ड वाइड इसका आया जो ईयर बाइक, और 2015 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2015 में वो बुक जो पहले इंडियन है जिनकी बुक अमेरिका के हाई स्कूल में बुक का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है तो लिया गया है। तो और तीसरा एक ये है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस बहुत ही ज्यादा योगदान देता है और यहाँ के सेक्रेटरी एंड CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शरद सिंह के, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोगों को मदद की। तो हम लोग 40 उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र करीब 3 महीने के अंदर 40 स्कूल कॉलेजेस और सब में करीब 35,000 बच्चों को हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग में अवेयरनेस की, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम की जा सकती है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। और लखनऊ में सारे पार्क में जगह जगह पर हम लोग ये लेकर के कैंप लगा करके लोगों को अवेयर किए हैं। क्या तो इसके लिए 2017 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुआ और मेरा उसमें बेहतरीन बेहतरीन। ये 2 घंटे का शो मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी और वक्त होता ना तो शायद ही 3-4 घंटे में बात कर सकती थी, इतने अचीवमेंट्स, इतने काम इन्होंने किए हैं। क्यों सर? नहीं नहीं, ये तो सभी को करना चाहिए और आप विशेष करके मैं बच्चों को नए जो नेशन है उसको चाहता हूँ और उनको हम जागृत करते रहते हैं इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करें और दुनिया में जो भी जीव और जो भी मानवता है उसको आगे बढ़ाने में काम करें। सर, आपकी एज कितनी होगी? मैं बस माइंड मत कीजिएगा, मैं यही पूछ रही हूं। मैं तो ये तो आपसे पूछ लिया, मैं बताना ये चाहूंगा, आई एम यंग 75। क्या बात है, मतलब स्वीट 75 की एज है।
प्रोफेसर बी आर सिंह जी की, और आप अगर 15 साल की एज में ब्रेकअप के दिमाग मतलब ब्रेकअप के गम में डूब रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहाँ जी रहे हैं। 75 की एज में सर कमाल के इन्वेंशन, कमाल की प्रगति करते जा रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने ये सब कमाल कर डाले हैं। तो अभी तो शुरुआत है बंधु, अभी तो बीज बोया है जिंदगी का, सीखने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और एक नया मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उन्होंने इस पर मौका दिया हमें, और जिससे हम समझते हैं कि जो भी इसको सुनने वाले हैं इससे लाभ जरूर उठाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, सुनते जाइए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। बाय बाय, टेक केयर।